I thought you'd sent your office address to me. We'll get an office when the funding comes in. Don't worry. Till then, this cafe is our office. फैमिली मैन वेब सीरीज में आपने देखा है कि कैसे एक स्टार्टअप कैफे प्रीमाइस को ऑफिस वर्क के लिए यूज करता है। ऐसे ही बहुत सारे स्टार्टअप्स अर्ली स्टेज में एक नया ऑफिस अफोर्ड नहीं कर पाते। एक नया ऑफिस रेंट पे लेते वक्त इलेक्ट्रिसिटी बिल, फर्नीचर, न्यू वाईफाई कनेक्शन और शॉप एक्ट जैसे कई सारे एक्सपेंसेस को भी संभालना पड़ता है। तो स्टार्टअप्स के लिए गैराज या कैफे से ज्यादा बेटर अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? वो है कोवर्किंग स्पेस। एक कोवर्किंग स्पेस में स्टार्टअप या फ्रीलांसर्स अपने टीम साइज के हिसाब से यहाँ टेम्प्रेरी स्पेस मंथली रेंट पे ले सकते हैं, जिसका एक्सपेंस ऑफिस स्पेस के मुकाबले कम होता है। वर्किंग स्पेस के साथ साथ आपको प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस रूम, ट्रेनिंग हॉल, पेंट्री और हाइजेनिक वॉशरूम की एडिशनल फैसिलिटीज मिलती है। एक ही फ्लोर पे जब डिफरेंट प्रोफेशन के लोग काम करते हैं, तब बिजनेस नेटवर्किंग के लिए ये एक एडवांटेज हो सकता है। टीयर वन सिटीज में बड़े कंपनीज जैसे वी वर्क और इनोवेट कोवर्किंग स्पेसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, पर इंडिया के 50% स्टार्टअप्स टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज से भी बिलोंग करते हैं। इन सिटीज में भी स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए सिविक इंक्यूबेशन एक्टिविटीज के साथ साथ कोवर्किंग स्पेसेस भी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि एंटरप्रेन्योर्स को स्टार्टअप के लिए स्पेस के साथ साथ इंक्यूबेशन सपोर्ट भी मिल सके। कोवर्किंग स्पेस के बारे में और डिटेल्स के लिए विजिट करें सिविक बिजनेस इंक्यूबेटर को।